मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत मैं फील्ड विजिट को निकली और उन लाभार्थियों को ढूंढ रही थी जिन्होंने आयुष्मान कार्ड का लाभ लिया हो। फील्ड विजिट के दौरान कई विक्षिप्त लोगों भी मिले, कई विकलांगों से भी मुलाकात हुई और कई ऐसे लोगों से भी मुलाकात हुई जिन्होंने आयुष्मान कार्ड नहीं भी बनाया था। विकलांग बच्चों के लिए आयुष्मान कार्ड किस प्रकार सहायता हो सकता है या जो सर्वे की जा रही है और उसमें जो असहाय व्यक्ति हैं उनकी सूची तैयार की जा रही है ताकि उन्हें लाभ दिया जा सके, जो दिव्यांग हैं उन्हें लाभ दिया जा सके, इसकी सूची तैयार की जा रही है और खोज खोज कर ऐसे व्यक्तियों को निकाला जा रहा है ताकि वे भी सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकें। एक महिला मिली जो कि अभी 3 महीने पहले पता चला उन्हें कि कैंसर से पीड़ित है, उन्हें आयुष्मान कार्ड बनाने की सलाह दी गई। एक ऐसी भी महिला मिली जिसके दामाद ने आयुष्मान कार्ड का लाभ लिया था, आइए उनकी जुबानी सुनते हैं। क्या नाम है आपका? मंजू देवी। आयुष्मान कार्ड आपका बना था? हाँ। क्या फायदा हुआ आपको आयुष्मान कार्ड बनने से? रांची हम दामाद को पथरी दवा कराए थे। क्या हुआ था उनको? पथरी था। हाँ। उसका ऑपरेशन करवाए? नहीं, मशीन से की। मशीन से? हाँ। अच्छा, कहाँ? रांची रिम्स में हुआ? नहीं, तो? प्राइवेट ने उनको डॉक्टर को नाम भूल गया। अच्छा, प्राइवेट अस्पताल में हुआ? हाँ। वही आयुष्मान कार्ड से? वही आयुष्मान कार्ड। पैसा नहीं लगा आपका? पैसा नहीं लगा, इधर उधर चेक करवाए तो पैसा लगा, अकेले मशीन से निकलवा तो पैसा नहीं लगा। अच्छा, तो फायदा हुआ आपको ना? फायदा हुआ उनको। आयुष्मान कार्ड का आपको फायदा मिला? आप खुश हैं आयुष्मान कार्ड बनवा के? हाँ, हम खुश हैं। लोगों को सलाह देते हैं आप? सलाह कैसे नहीं देते, बनवाएगी तब। हाँ, तो जो लोग आसपास में नहीं बनवाए हैं उनको आप प्रेरित कीजिए ताकि वो भी बनाए, ताकि उनको भी लाभ मिल सके। हम तो कह रहे हैं कि बनवाइए, हम दामाद को बनवाए और लेके हम गए रांची।